दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी व्यक्ति को शनि सबसे अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। कर्मों का दंड देना शनिदेव का काम है। न्यायप्रिय, न्याय के देवता शनिदेव। शनिदेव की जयंती ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन आती है। अभी जेठ यानी कि ज्येष्ठ चल रहा है, तो इस बार शनि जयंती 15 मई के दिन आने वाली है। शनि भक्तों को शनि जयंती का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बार शनि जयंती का दिन विशेष है, क्योंकि इस बार इस दिन सर्व सिद्धि योग है। और इस दिन एक खास बात और है, इस दिन बड़ा अमावसा यानी कि वट सावित्री अमावसा और भौमवती अमावसा भी है। ये बड़ा जबरदस्त संयोग है, शनिदेव का जन्म उत्सव और इस प्रकार का संयोग इस बार की अमावसा को महा अमावसा बना देता है। शनिदेव का जन्म दिवस उन लोगों के लिए विशेष रहेगा जो शनि की साढ़े साथी, शनि की ढैया, या फिर जन्म कुंडली में शनि की महादशा या फिर शनि की खराब स्थिति के कारण कहीं ना कहीं परेशान है। ऐसे लोग शनि जयंती पर शनि को प्रसन्न करने के उपाय करके अपनी सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन जिन पर शनिदेव प्रसन्न हैं, उनके लिए यह दिन और भी अच्छा है, सोने पर सुहागा है। तो इस बार न्याय के अधिपति देवता शनिदेव का जन्म उत्सव महा अमावसा के संयोग पर 15 मई 2018 के दिन मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन सर्व सिद्धि योग, वट सावित्री अमावसा और भौमवती अमावसा का ऐसा संयोग आपको इतने फायदे देने वाला होगा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बस जरूरत है शनि जयंती पर शनि को प्रसन्न करने की। तो अब बड़ा प्रश्न यह है कि शनि को प्रसन्न कैसे किया जाए। कलयुग में शनि को प्रसन्न करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस महा अमावसा के दिन किए जाने वाले उपाय आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, सच्चे मन से यदि इन उपायों को किया जाए, पूरी श्रद्धा भाव से यदि इन उपायों को किया जाए, तो आप पर अवश्य ही शनि की कृपा हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं महा अमावसा शनि जयंती मंगलवार के दिन 15 मई के दिन आप क्या उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, यह महा अमावसा मंगलवार के दिन भरणी नक्षत्र, शोभन योग, चतुष्पद करण तथा मेष राशि के चंद्रमा की उपस्थिति में आने वाली है। और एक खास बात, इस वर्ष जेठ मास यानी कि ज्येष्ठ मास अधिक मास है। जेठ मास दो बार आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस वर्ष जेठ मास दो बार है। और यह अमावसा प्रथम शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आ रही है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रातः सुबह ठीक 10:57 पर सर्व सिद्धि योग शुरू होगा और इसका प्रभाव पूरे दिन रहेगा। इस दिव्य योग में किए जाने वाले उपाय या शनिदेव की आराधना आपको विशेष शुभ फल प्रदान करने वाली होगी। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप 15 मई को सुबह नहा धोकर स्नान करके पवित्र मन से, शुद्ध तन से नजदीकी पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का मिट्टी का दीपक अवश्य जलाकर आएं और फिर शनि के वैदिक मंत्र, बीज मंत्र ओम खाम खीम खूम सह मंदाय स्वाहा, इस मंत्र का 21 माला कम से कम जाप करें। यह मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। इस मंत्र को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। अपने घर के नजदीकी शनि मंदिर में जाएं और शनिदेव का तेल से अभिषेक करें, दीपक जलाएं और फिर शनिदेव का पूजन करें। जो व्यक्ति लगातार किसी न किसी प्रकार की शारीरिक पीड़ा से पीड़ित है, बार बार बीमार हो जाता है, बार बार शारीरिक कष्ट को भोग रहा है, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो इस शनि जयंती पर शनि वज्र पिंजर कवच का कम से कम 11 पाठ जाप करे और इसके बाद में रोजाना एक पाठ नियमित रूप से इसका जाप करे। ऐसा करने से समस्त प्रकार के शारीरिक कष्टों से, शारीरिक पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। यदि ग्रह गोचर की गणना की दृष्टि से देखा जाए, तो इस बार की महा अमावसा के दिन सूर्य, चंद्र और बुध, ये तीनों ग्रह मेष राशि में आने वाले हैं। मेष राशि में होने का यह बड़ा ही अद्भुत त्रिग्रही युति योग होगा। मेष राशि का स्वामी मंगल है
और बड़ा ही अद्भुत संयोग है कि इस बार की अमावस्या मंगलवार के दिन ही है। तो यह अमावस्या मेष राशि के जातकों के लिए बेहद खास दिन बन जाता है। इस दिन शनिदेव के साथ साथ आपको हनुमान जी की आराधना भी करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की आराधना इस दिन श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाली होगी। तो जो लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो लोग धन की कमी से पैसों के लिए रोज रोज झिकझिक हो रही है, रोजाना पैसों के लिए परेशान हो रहे हैं, उन्हें इस दिन हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए और हनुमान जी को बेसन के लड्डू या फिर हलवे का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इससे जीवन की समस्त आर्थिक समस्याएं दूर होने लगती है। लेकिन इन तीनों ग्रहों के संयोग से धरती पर प्राकृतिक आपदाएं, आंधी, तूफान, बारिश, विमान की दुर्घटनाओं जैसे दुर्संयोग भी बन रहे हैं। ये संयोग भारत के पश्चिमी राज्यों में भीषण गर्मी से जनहानि को करने वाले हो सकते हैं। अब आपको कुछ सामान्य लेकिन प्रभावशाली उपाय बताने जा रहे हैं जो आप शनि जयंती के दिन कर सकते हैं। दोस्तों, यह उपाय आपको शनि जयंती के दिन अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि इस बार की शनि जयंती कुछ खास है। ये महा अमावस्या का दिन है और इस दिन यदि आप ये साधारण से दिखने वाले आसान से उपाय भी कर लेते हैं तो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। तो आइए जानते हैं उन सामान्य लेकिन प्रभावशाली उपायों को भी। अगर आपको इस दिन कोई बहेलिया नजर आ जाए जो कि चिड़िया वगैरह पकड़ के बेचता है, ऐसे बहेलिए के पास आप देखिए कि काले रंग की चिड़िया यदि उसके पास हो तो काले रंग की चिड़िया उससे आप खरीद लें और उसे दोनों हाथों से आसमान में उड़ा दें। आपकी दुख तकलीफें दूर होने लगेगी। इस महा अमावस्या के दिन एक लोहे का त्रिशूल महाकाल शिव, महाकाल भैरव या फिर महाकाली मंदिर में अर्पित करके आए। यदि शनि दोष के कारण विवाह में देरी हो रही है तो आप इस दिन एक उपाय कर सकते हैं। 250 ग्राम काली राई लें, 250 ग्राम 10 रुपए की राई होती है, 250 ग्राम काली राई लें और इसे काले कपड़े में बांध लें, कपड़ा नया होना चाहिए, और फिर इसे किसी सुनसान स्थान पर लगे पीपल के पेड़ की जड़ में रख कर आ जाइए। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। एक पुराना जूता लीजिए और शनि जयंती के दिन किसी सुनसान चौराहे पर रख कर आ जाइए और फिर बिना मुड़े बिना पीछे देखे सीधे अपने घर आ जाइए। इससे जीवन की समस्या दूर होने लगती है। शनि जयंती को सुबह जल्दी उठिए और 10 बादाम लेकर किसी हनुमान मंदिर में जाइए। वहां हनुमान चालीसा का पाठ करिए और सारे बादाम वहां पर रख दीजिए। हनुमान चालीसा करने के बाद हनुमान जी से अनुमति लेकर 5 बादाम उठा लीजिए और इन्हें घर ले आइए और इन्हें किसी लाल वस्त्र में, नए लाल वस्त्र में बांधकर अपने धन स्थान पर रख दीजिए और फिर देखिए आपके धन में कभी कमी नहीं होगी। शनि जयंती पर एक बड़ी कटोरी में सरसों का तेल भर लीजिए, इसमें अपना चेहरा देखिए और फिर किसी गरीब को यह तेल कटोरी के साथ ही दान कर दीजिए। इससे शनिदेव की प्रसन्नता आपको अवश्य मिलने वाली है। शनि जयंती के दिन एक नारियल आप बहते हुए पानी में विसर्जित करके आइए, इससे भी शनि जयंती के दिन काफ़ी फायदा होता है। शनि जयंती के दिन काले उड़द पीसकर उसके आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को अवश्य खिलाइए। शनि जयंती के दिन आंकड़े के पौधे यानी कि आग के पौधे पर 7 लोहे की कील चढ़ाकर आइए और काले घोड़े की नाल या फिर नाव की कील से बनी लोहे की अंगूठी अपनी मध्यमा अंगुली में शनि जयंती के दिन सूर्यास्त के समय पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर पहनिए। इससे आपके जीवन की कई समस्याएं दूर होने लगेगी। शनि जयंती के दिन किसी नजदीकी मुक्ति धाम यानी कि शमशान घाट में 5 मन लकड़ी यानी कि 200 किलो लकड़ी लावारिस शवों के दाह संस्कार के लिए दान करके आइए। और दोस्तों, शनि जयंती के दिन शनिदेव के चरणों का तेल हाथ और पैरों के नाखूनों पर अवश्य लगाइए। शनि जयंती के दिन प्रारंभ करके चींटियों को 7 शनिवार काले तिल, आटा, शक्कर मिलाकर इसका चूर्ण बनाकर, इसका पाउडर बनाकर, इसका आटा बनाकर चींटियों को खिलाइए। तो यह थे शनि जयंती के दिन किए जाने वाले वो साधारण से दिखने वाले लेकिन प्रभावशाली उपाय जिन्हें करके आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी इन उपायों को कर सकते हैं। इन उपायों को करके देखिए और हमें बताइए कि इसका आपको क्या लाभ मिला है।
तो दोस्तों बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपलोड्स लगातार निरंतर एक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहेगी। तो आप सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखकर इसका लाभ ले सकते हैं। तो सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान। जय शनिदेव।